हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि आए दिन चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियां अपने स्मार्टफोन को लॉन्च कर रही हैं, तो दोस्तों इंडियन कंपनी भी क्यों पीछे रहे। तो 15 अगस्त के दिन एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है, और वो है इंडियन स्मार्टफोन कंपनी। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लावा कंपनी है जो कि 15 अगस्त के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है। वो स्पेशल एडिशन है जिसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, इसके पूरी स्पेसिफिकेशन और क्या क्या इसके अंदर आपको खूबियां देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि भारतीय स्मार्टफोन निर्माता कंपनी लावा ने अपना लावा Z61 प्रो, लावा A5 और लावा A9 को पेश कर दिया है। गणतंत्र दिवस 15 अगस्त को इसे स्पेशल एडिशन के रूप में पेश किया जाएगा। ये स्पेशल वेरिएंट लिमिटेड होगा। इसमें से कुछ मॉडल के पीछे भारतीय नेशनल फ्लैग का ट्राई कलर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें लिखा होगा प्राउडली इंडियन। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लावा Z61 प्रो की। आपको बता दूं कि इसकी कीमत है ₹5,700। इसका एक ही वेरियंट है जिसमें 2GB रैम और 16GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, जिसे आप माइक्रो SD कार्ड के साथ बढ़ा भी सकते हैं। वहीं अगर लावा A9 और A5 की बात करते हैं, इन दोनों स्मार्टफोन के पीछे आपको तिरंगा बना हुआ दिखाई देगा। कीमत की बात करें तो लावा A5 आपको ₹1,300 के करीब में मिल जाएगा। वहीं अगर लावा A9 की बात करें तो ये आपको ₹1,500 में खरीदने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, कंपनी की माने तो आप इसे जल्दी Flipkart पे खरीद सकते हैं, और इसके अलावा लोकल रिटेल स्टोर पे भी आपको ये अवेलेबल हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये लावा के तीनों स्मार्टफोन आपको 15 अगस्त के दिन लॉन्च हुआ दिखाई देगा, और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो जल्दी आपको ये Flipkart पे अवेलेबल दिखाई देगा। तो दोस्तों, जैसे छोटी सी इन्फॉर्मेशन आया था आपके लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, आपको मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।